गाइस, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स और YouTube की जो है सेटिंग्स जो है वो बना बता रहा हूँ कि आपकी जो वीडियो है वो किस तरीके से जो है वो वायरल हो सकती है YouTube पर, और कौन कौन सी सेटिंग्स जो है वो आपने रखनी है। ये लाइव आपको मैं जो है वो रिजल्ट दूंगा, लाइव आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा कौन कौन से टैग्स जो है वो आपको लगाने हैं, इन सब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखकर, और आप चाहते हो कि आपके वीडियोस के जो व्यूज़ हैं वो जल्दी से जो है वो ग्रो करें। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट। सबसे पहले हम मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर जो है वो है YT स्टूडियो में। सीधा सीधा हम लोगों YT स्टूडियो में आके हम एक वीडियो की जो सेटिंग्स है, अब ये एक वीडियो है तो इसकी मैं आपको बेसिक जो है वो सेटिंग्स करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सी सेटिंग्स जो है वो आपने रखनी है। इस पे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जैसे कि वीडियो है तो इसके यानी कि बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी जो है रेटिंग्स आ रही हैं। ग्रेट जॉब, पीपल ऑन यूट्यूब आर चूजिंग टू वॉच दिस वीडियो मोर ऑफर देन यूजुअल। तो अब इसकी मेन सेटिंग्स में आते हैं कि मैंने इसकी ऐसी कौन सी सेटिंग्स करी हैं कि वीडियोस जो है वो वायरल भी है और जो है वो वीडियो को जो है वो ज़्यादातर लोग देखना पसंद भी कर रहे हैं। अच्छा, यूट्यूब पर एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिए कि यूट्यूब में अगर आपने किसी की अटेंशन को जो है वो अपनी वीडियो पर आप चाहते हैं कि किसी की अटेंशन जो है मेरी वीडियो पर ज़्यादा देर तक रहे, 1 मिनट या 2 मिनट तक, तो सबसे पहले आपको 30 सेकंड में अपनी बात का जो है वो बतानी होगी। क्योंकि इसमें होता यह है कि अगर आप जो है वो मुश्किल से जो कोई भी जो व्यूअर होता है वो 30 सेकंड तक रुकता है। 30 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपने इंटरेस्ट शो कर दिया तो वो आपकी वीडियो को 1 मिनट भी, 2 मिनट भी, 3 मिनट भी, और जितनी आपकी वीडियो है वो जब तक रुकेगा आपकी वीडियो पर। तो मैं आपको बेसिक सेटिंग्स में जो है बताना शुरू कर रहा हूँ। YT स्टूडियो में आया, YT स्टूडियो में जाके एडिट में आ जाएं। एडिट में आने के बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वीडियो का थंबनेल और वीडियो का टाइटल बिल्कुल सेम होना चाहिए। वीडियो का टाइटल और थंबनेल में जो है वो ज़्यादा मतलब कोई भी फर्क नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि थंबनेल कुछ और है और वीडियो का जो है वो टाइटल कुछ और लगा रहे हैं। तो अब हम आ जाएं जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको हैशटैग लगाने हैं, क्या लगाने हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो हैशटैग लगाने हैं, शॉर्ट वीडियोज, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग वायरल्स, ठीक है। और इसमें जो है वो एक और अगर आप लगाना चाहें तो हैशटैग ट्रेंडिंग्स, TRE हैशटैग ट्रेंडिंग्स। तो अब आपकी वीडियो जो है वो उनके जो है यूट्यूब जो भी सर्च कर रहा है उनके पास भी ज़्यादा आएगी, और जितने ज़्यादा अब वीडियो आपकी जो है वो एक कोई भी लिस्ट में दिख रही होगी तो जितना ज़्यादा लोग आपकी वीडियो पर जो है वो क्लिक करेंगे। चलें अब इसके बाद आ जाते हैं, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी पब्लिक है, मोनेटाइजेशन ऑन है, नो इस नॉट मेड फॉर किड्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे जो है वो इसको इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करें। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो फिर भी परफेक्ट है, इसको ज़रूर सेलेक्ट किया करें, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। अब आ जाते हैं हम टैगिंग पर, मोर ऑप्शन में आते हैं। मोर ऑप्शन में जाके अब जो मेन जो टैग्स हैं आपका ख्याल रखना है कि आप क्या समझते हो कि ये जो टैग्स हैं जैसे PNNWHS, रोड्स कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट वीडियोस, वायरल वीडियो, वायरल ट्रेंडिंग, हाउसिंग स्कीम, आप क्या समझते हो कि आप यानी कि ये समझते हैं कि यार मेरी वीडियोस किन किन जो सर्चेस करता है वीडियो पर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड, ट्रेंडिंग पे, वायरल पे, तो जो भी वीडियो मतलब जो सर्च कर रहा होगा उसके पास फौरन आपका जो है ये वीडियो शो करेगी। तो टैग्स का आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है कि टैग्स अकॉर्डिंग टू द आपके वीडियो टाइटल होने चाहिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने टाइटल पे बात किया, मैंने डिस्क्रिप्शन से बात किया, मैंने पब्लिक विजिबिलिटी पे बात किया, मैंने मोनेटाइजेशन ऑन किसी की है किसी की नहीं है, खैर एनीवेज यहाँ पे ऑडियंस पे आ गया। अच्छा, ऐड टू प्लेलिस्ट आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अच्छा, जब सारी चीज़ें हो जाएं अब आप इसको सेव करें, सेव, ये वीडियो मेरी सेव हो गई, ठीक है। अब अगर हम इसके वीडियोज के एनालिटिक्स को देखते हैं, गो टू द वीडियो एनालिटिक्स। अच्छा, वीडियो एनालिटिक्स में हम ये देखते हैं कि ये यानी कि 6 दिनों में कितना यानी कि इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऑडियंस रिटेंशन में यानी कि कितना, ऑडियंस रिटेंशन का मतलब ये होता है कि एक कोई भी जो है यूट्यूबर जो भी वीडियोस आपको देख रहा है तो वो कितनी देर तक आपकी वीडियो पर रुकता है, वो 1 मिनट तक रुकता है, वो 30 सेकंड तक रुकता है, वो रुकता है
मिनट तक जितनी, इट इज डिपेंड टू ऑन योर कंटेंट्स, के कंटेंट्स आपके कितने जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कंटेंट्स आपके कितने जो है वो मतलब वैल्यूएबल हैं, कितने ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो है वो कंटेंट है। अब यहाँ पे जो बता रहा है कि तकरीबन एवरेज जो व्यू ड्यूरेशन है वो 1.02 की है, यानी कि 1 मिनट तो कम से कम मेरी जो है वो कोई भी जो न्यू व्यूअर आ रहा है यूट्यूबर पर तो वो कम से कम 1 मिनट तो वो रुक ही रहा है, और ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका एक पॉजिटिव साइन है। अब इसका रियल टाइम में ये देखते हैं कि व्यूज 48 आवर्स में 48 व्यूज हैं, तो दैट्स अ गुड। और यूट्यूब सर्च में 27, ब्राउजर फीचर 13, सजेस्टेड वीडियो, चैनल एक्स्ट्रा, और आपको सारी लिंक्स यहाँ शो कर रहा है। इस चीज़ को, इस एनालिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस पर काम नहीं करोगे तो उस वक्त तक, और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि टाइमिंग पे ये होता है कि आपका कब कितना, आपके जो व्यूअर्स हैं वो कब तक जो है वो आपके वो देख रहे हैं, मतलब किस वक्त बैठते हैं। मैं मिसाल के तौर पर जैसे कि दोपहर के टाइम या शाम के टाइम आपके जो है वो मतलब जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो आ रहे हैं आपकी वीडियो पर, जो है वो वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस सेटिंग्स के साथ वीडियोज़ को अपलोड किया करें। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। थैंक यू सो मच, इजाज़त।